सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा, गुरुजनों का आशीर्वाद और शुभ कर्मों का यह फल जो हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, सच्चे और अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन के हम प्रत्येक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने और दूसरों के लिए, व्यष्टि और समष्टि के लिए सब प्रकार से दिव्य कर्मों को करते जाएं। हम परमात्मा का स्मरण करें, हम हर रोग से बचें, दोष से बचें, उसके लिए पूर्ण जागरूक होकर के, सजग होकर के, सावधान होकर के जीवन को जीने वाले बने और इस प्रवृत्ति को सदा ध्यान में रखते हुए कार्य करें। द्वितीय मंडल का, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 33वां जो सूक्त है, बहुत ही इसमें सुंदर मंत्र हैं, उनमें से मैं चौथे मंत्र का भाव आपके सामने प्रकट करूंगा। प्रथम इस मंत्र को पहले लिखता हूं। ओम मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुति वृषभ वृषभ मा सहूति मा सहूति उन्नो वीराम
पुन्नो विराम अर्पय। भेषजे भिर भिषक्तम भेषजे भिर भिषक्तम भिषक्तमम भिषभिषक्तम शक्तमम त्वा त्वा भिषजाम शृणोमि दूसरे मंडल के 33वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। मंत्र का उच्चारण ओम मात्वा रुद्र चुक्रुधा मानवो भिर्मा दुष्टुति वृषभमा सहूति उन्नो वीराम अर्पय भेषजे भिर्भिषक्तमं त्वाभिषजाम शृणोमि ओम मा त्वा रुद्र चुक्रुधा मा नमो भिर्मा दुष्टुति वृषभमा सहूति उन्नो वीराम अर्पय भेषजे भिर् भिषक्तमं त्वा भिषजाम शृणोमि। वेद मंत्र बहुत ही सुंदर भावों को यहाँ पर प्रकट कर रहा है और इस दृष्टि से सदा हमको आपूरित रहना चाहिए। एक भी हमारा जो भाव है वह प्रभाव सहजता से सरलता से और स्वाभाविक रूप में हमारे जीवन में उतरना चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है कि हे रुद्र हे जान देने वाले तथा रोगों का विद्रमण करने वाले रोगों को भस्मीभूत करने वाले मानस रोग हो अथवा शारीरिक रोग हो इन रोगों को दूर करने वाले हे प्रभो हमारे मस्तिष्कों को ज्ञान उज्ज्वल व शरीरों को निरोग बनाने वाले प्रभो हम त्वा आपको नमो भी हर समय नमस्ते ही नमस्ते करते हुए और आप अपने आप से निर्दिष्ट कर्तव्यों को ना करते हुए माँ चुक्रुधामा मत क्रुद्ध कर लें हर समय के नमस्ते की अपेक्षा अपने कर्तव्यों को करने वाले बने। नमः जो नमस्कार है जो प्रणाम है जो अभिवादन है जो उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव है वह तो हमारे अंदर सदा होना ही चाहिए। परंतु इस वेद मंत्र में हमको सावधान किया गया है एक संदेश दिया गया है कि केवल हम नमस्ते ही नमस्ते ना करते रहें
अपितु परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो निर्दिष्ट कर्म है, जो उसके द्वारा हमको आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है, उसको हम करने वाले बने। इसका तात्पर्य यह भी नहीं लेना चाहिए कि नमस्ते नहीं करना, प्रणाम नहीं करना। प्रणाम भी करना है, लेकिन प्रणाम ही केवल ना करें, अपितु उसके साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से हर प्रकार से उत्तमोत्तम कर्मों को करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयत्न जो मेरे जीवन को भी उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला हो, तथा मेरे से संबंधित जो भी लोग हैं, सृष्टि के लिए भी, समाज के लिए भी, घर परिवार के लिए भी मेरे द्वारा किया गया पुरुषार्थ दिव्यता से युक्त हो, भव्यता से युक्त हो, जिसमें हर प्रकार की सहज उन्नति का दिग्दर्शन होता हो। ऐसा कर्म जो प्रभु के द्वारा उपदेश दिया गया हो हमारे लिए, ऋषियों के द्वारा जिया गया जो जीवन है, उसको भी हम आत्मसात करने का प्रयत्न करें। यह बहुत सुंदर शिक्षा इसमें है। और कहा कि अपने कर्तव्यों को करने वाले बने, केवल हर समय नमस्ते भी नमस्ते ना करें। इसकी अपेक्षा ये है कि एक जो श्रेष्ठ कर्म है वो 100 शब्दों की अपेक्षा अत्यंत व्यवस्थित और समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाने वाला होता है। इसलिए हम सदा सर्वदा कर्मशील रहें, क्योंकि कहा है यह क्रतु है, यह प्रभु की विशेष कृपा है मनुष्य के ऊपर कि उसको हर प्रकार का सामर्थ्य दिया हुआ है, और इस सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगली बात क्या कही है, दुष्टुति माँ, गलत स्तुति से हम आपको क्रुद्ध ना कर लें। अर्थात गलत स्तुति क्या है? गलत स्तुति है कि प्रभु को दयालु नाम से स्मरण करना और स्वयं कुरुवृत्ति का बना रहना, प्रभु को न्यायकारी कहना और स्वयं सदा अन्याय में प्रवृत्त रहना, यह विशेष बात है। एक बात आती है कि देवो भूत्वा यजे देवम्। यदि हम उस परम देव की, उस परम पिता परमेश्वर की, जो सर्व अंतर्यामी है, सर्व शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, दयालु है, न्यायकारी है, न्याय व्यवस्था को सदा बना करके रखता है, दयालुता को सदा बना करके रखता है, हम ऐसा सुनते हो, समझते हो, लेकिन स्वयं वैसा न जीते हो, तो उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना और उसको किया हुआ हमारा प्रणाम, ये अधिक सफल नहीं होता है। फिर सफल क्या है? सफल ये है कि जैसे परमपिता परमेश्वर सदा ऐश्वर्य से युक्त हैं, वो इंद्र हैं, वो परम ऐश्वर्यशाली हैं, विष्णु हैं, वे न्यायकारी हैं, वो सत्य स्वरूप हैं, दयालु हैं, करुणा सागर हैं, तो जैसा उनका गुणकर्म स्वभाव है वैसा बनने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम उनकी दयालुता का ध्यान रखते हैं तो हमारे अंदर भी दयालुता होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर भी दयालुता होगी तो हमारी भक्ति सफल होगी। और हम दयालुता से बिल्कुल विपरीत आचरण करते हैं, करुणावान उस प्रभु, उस परमात्मा का जो जगत का सृजन करता है, पालन करता है,
उसकी हम स्तुति प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जगत को आतंक से, हिंसा से, क्रूरता से या अपने गलत व्यवहार से दुखी करते हैं संसार को, और ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर भक्त कहलाने की योग्य नहीं है। जो जो गुण उस परमात्मा में है उसको उनसे अपने गुणकर्म स्वभाव में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं, हम अल्पज्ञ ही रहेंगे, हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं, हम हर प्रकार से उस परमात्मा की कोई बराबरी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते हैं, परंतु जितना हमारा सामर्थ्य उतना तो कर सकते हैं। व्यक्ति कितना भी प्यासा हो पूरे सागर को पी नहीं सकता, जितना उसको प्यास है कम से कम उतना तो पी ले। प्रभु की भक्ति और उसकी शक्ति का जितना हमारा सामर्थ्य उतना हम ग्रहण करें, चाह करके भी हम समुद्र को एक पात्र में ढक नहीं सकते, ले नहीं सकते, उसको भर नहीं सकते, लेकिन जितना बड़ा हमारा पात्र है उतना तो हम ले सकते हैं उससे जल, उतने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, पूरे समुद्र के जल की आवश्यकता भी हमको नहीं है। तो जितना हम अपने तन मन में दिव्यता ला सकते हैं, कर्मों में दिव्यता ला सकते हैं, उसको लाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और कोई आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना हमको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए यदि हम अच्छी स्तुति करेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आचरण करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य होगा, सफल होगा, और यदि उसके विपरीत आचरण करते हैं तो फिर कभी भी हम उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इस बात को सदा सर्वदा हमको ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। प्रभु न्यायकारी है, दयालु है, तो हमारे अंदर भी दया का भाव, न्याय का भाव होना चाहिए। हम किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जीव के साथ हम हिंसा ना करें, क्रूरता हमारी ना हो। और कहा, हे वृषभ, सब सुखों के व सुख के साधनों के वर्षण करने वाले प्रभो, हम सहूति अर्थात सहूति माँ आपके साथ अन्य बातों की पुकार द्वारा आपको क्रुद्ध ना कर लें, आपके कोप के भाजन न बने, आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, जिससे वह कार्य हम करें उससे विपरीत कर्म ना करें, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, जिसमें आप राजी हो, वही हम कार्य करें। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। दुनिया में हमको भेजा जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में
जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। तो हम उस परमात्मा के रजा में हम रजामंद हैं, जैसी उसकी इच्छा है वैसा ही हम अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में उस ज्ञान का आधान करें, उस व्यवहार का आधान करें, यही प्रार्थना है। और आगे कहा है, आप जो प्रभु नहा वीरान, हमारी वीर संतानों को भी भेषजी भी रोग निवारक औषधियों से उत अर्पया उत्कर्ष से संयुक्त करिए, तो आपको मैं विषजाम वैद्यों में विषक्ततमम सर्व महान वैद्य श्रेणों में सुनता हूँ। आप हमारे सब रोगों का निवारण करने वाले हैं, उपचार करने वाले हैं, हमें उत्कर्ष की ओर प्रेरित करने वाले हैं। सदा हमारा उत्कर्ष हो, जैसे माता पिता गुरु अपने संतानों का, अपने शिष्यों का सदा उत्थान चाहते हैं, कभी पतन नहीं चाहते हैं, वैसे आप भी हे प्रभो हमारा उत्थान चाहते हैं, कभी हमारा पतन नहीं चाहते हैं। हम ऐसी शिक्षा से, ऐसी दीक्षा से अपने आप को पूर्ण करें जो आपके द्वारा मिली हुई औषधि से युक्त हम हों। हमारा एक भी स्वभाव, एक भी कार्य दूषित ना हो, कलुषित ना हो, दूसरों को क्लेश देने वाला ना हो, दूसरों को हिंसित करने वाला ना हो, ऐसा जब हम स्वभाव बनाएंगे, अपना प्रयत्न करेंगे, तो निसंदेह हम केवल नमस्ते नमस्ते करने में न रहें, गलत स्तुति ना करें और बहुत मांगते ना रहें। कुछ लोग केवल मांगते रहते हैं, प्रभु हमको यह करा दीजिए, हम आपको ये देंगे। अरे जो संसार को बनाने वाला है, संसार का देने वाला है, सब प्रकार का सामर्थ्य देने वाला है, हमारा क्या सामर्थ्य हम उसको कुछ देंगे? हम उसको कुछ दे नहीं सकते। हम क्या संसार में कितना भी कोई महान हो, कितना धनवान बलवान बुद्धिमान हो शक्तिमान हो, कभी भी उस प्रभु का वह बराबरी करने वाला नहीं हो सकता है। कभी भी इतना सामर्थ्य अर्जित नहीं कर सकता कि उनको कुछ दे सके। हम उनके द्वारा दिए गए उपदेश को आत्मसात करेंगे जिससे हमारा जीवन उन्नत होगा, तो हम निसंदेह व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। उसने मनुष्य का जीवन दिया है तो हम ये समझे कि उसने सारे संसार का सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हर प्रकार के जीवन में, सब प्रकार के योनियों में सबसे जो उत्तम योनि है वह है मनुष्य योनि। सारे पशु पक्षियों की जो भोग योनि है, सारे जीवों की जो भोग योनि है, उनमें वो केवल भोग सकते हैं उनके द्वारा किया हुआ कार्य। जैसे गाय बहुत पवित्र और गाय माता है, गाय का दुग्ध अमृत के समान है, गोघृत अमृत के समान है, परंतु उसका जो पुण्य है जो हम प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, क्योंकि पशुओं में सबसे उत्तम पशु है, लेकिन उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव का उसको पुण्य लगेगा नहीं। शेर चीते हो, हिंसक जीव हो, वो हिंसा करने वाले हैं, पशुओं को मार करके खा जाने वाले हैं, मनुष्य को मार करके खा जाने वाले हैं, लेकिन उनको कोई पाप उसमें लगेगा नहीं, क्योंकि वो भोग योनि है। परंतु हमारे द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म यह हमारे पाप और पुण्य को सुनिश्चित करता है।
हमारे द्वारा किया हुआ उपभोग या भोग कैसा है, इसका हमको दृढ़ता से पालन करने का सामर्थ्य प्रभु दे और हम अपने जीवन का जो सच्चा सदुपयोग है उसको हम कर सकें। इसलिए प्रभु की भक्ति से ही हमारे जीवन को लाभ मिल सकता है और जो विकास है, जो जीवन का परिष्कार है, इसी में है। प्रभु का हम सदा सर्वदा गुणगान करें, उनका ध्यान करें। इसी से इस जीवन की सार्थकता है और अपने जीवन का हम सदा मान करते रहें, क्योंकि अपने जीवन का मान करना अर्थात उस भगवान का मान करना है। इस जीवन का और जगत का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना है। इसलिए आत्मशक्ति से अनुप्राणित होकर के, प्रभु की भक्ति से अनुप्राणित होकर के अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए और यह वास्तव में हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। जिस नर में आत्मशक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने, जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने, वह पाप कमाना क्या जाने। हम विषयों के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन प्रभु के साथ जिसकी तार जुड़ी है वह कहीं किसी के आगे झुकता नहीं, केवल प्रभु के आगे झुकता है। मन मंदिर में भगवान बसा जो उसकी पूजा करता है, पत्थर के देवता पर जाकर वह फूल चढ़ाना क्या जाने। माँ पिता की सेवा करता जो और उनके दुखों को हरता जो, वह मथुरा काशी वृंदावन हरिद्वार में जाना क्या जाने। दो काल करे संध्या वह वन नित सत्संग में जो जाता है, ईश्वर का है विश्वास जिसे दुख में घबराना क्या जाने, दुख में घबराना क्या जाने। जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से, रणभूमि में जाकर आगे वह कदम हटाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है वह शीश झुकाना क्या जाने, जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वह पाप कमाना क्या जाने। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।